बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग मशीन के जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन्स के वो आज देखेंगे, ठीक है, जिसमें एसएससी जेई के लिए और यूपीपीसीएल वाईजेग एंड जो मेरा एनएलसी है वो सब के लिए इम्पोर्टेंट। इसमें मोस्टली जो है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, जो मेरा मेन है वो मेरा प्रीवियस ईयर का सारा कवर किया गया है एसएससी वाले, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट बोला है, और यहाँ इसमें जो है नॉन टेक का भी सीरीज स्टार्ट होगा, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक जो है वो दोनों रहेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब फुल कोर्स एक तरह से बोल सकते हैं, स्पेशली एसएससी जेई वालों के लिए, ठीक है, और यूपीपीसीएल के लिए, ठीक है। फर्स्ट देखते टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस टॉर्क टी, ठीक है। नो इफ़ द मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। तो देखिए इसमें बोला गया जो कि जो दो डीसी मोटर था मेरा जो कि मेरा सीरीज में कनेक्टेड था, ठीक है, ओके, ये मेरा सीरीज में कनेक्टेड था। और फिर बोला गया कि और जो मेरा टॉर्क है वो मेरा प्रोड्यूस टॉर्क करता था, ओके। नाउ इफ द मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब बोला कि जो मोटर को अब हम लोग इस सीरीज से हटा के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टॉर्क का मेरा क्या वैल्यू होगा, कितना टॉर्क मेरा प्रोड्यूस करेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करके, ठीक है। तो हम लोग को जैसे कि पता है क्या कि मेरा टी इज इक्वल टू मेरा के फाई आई ए होता है, ठीक है, ये आपको डीसी सीरीज में पढ़ता होगा, डीसी मोटर जितने पढ़ेंगे उसमें क्या होता है के फाई आई ए, मतलब कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और इतना ही पता फाई जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ओके। इसी तरह हम लोग इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हम आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फाई ए की जगह हम लोग फिर से आई ए पुट कर, मतलब ऐसे कर दिए हम लोग आई ए इंटू आई ए, क्योंकि जो मेरा फाई होता वो ही मेरा करंट पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है और मेरा जितना ये होता फ्लक्स प्रोड्यूस होता वो मेरा करंट की वजह से वहाँ पे होता है। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये हम लोग कर सकते हैं, या टी इज इक्वल टू यहाँ पे के आई स्क्वायर हम लोग इक्वेशन वन लिख दिए। ये मेरा किस में था, ये मेरा था सिर्फ और सिर्फ सीरीज में, ओके, जो कि मेरा बोल दिया गया कि टाउ मेरा प्रोड्यूस करता था, ये टाउ मेरा क्या के आई स्क्वायर है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अब बोला गया था क्या कि अगर उसे हम लोग पैरेलल में कर लें, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा, सीरीज का आई है तो इसमें हम लोग जो मेरा आई जो रहेगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा आउटपुट पावर क्या रहेगा, मेरा पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ओके। तो मतलब कि हर एक मोटर में मेरा आई करंट इसमें जा रहा होगा, ओके, याद रखिएगा ये सीरीज वाले की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि इसी को अगर हम लोग पैरेलली बोला गया कि पैरेलली जो हमने उसी मोटर को कनेक्ट कर दिया है, वोल्टेज मेरा भी रहेगा, सपोज आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आई वाई टू हो जाएगा, यहाँ भी मेरा आई वाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि अब मेरा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए एक करके देखते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो तो सेम ही रहेगा फाई, सॉरी के यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, और फाई का वैल्यू हमको पता है फाई क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। और यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू क्या फॉर ईच मोटर की अगर बात करें, फॉर ईच मोटर तो डायरेक्टली यहाँ पे आई वाई टू इंटू आई वाई टू हो जाएगा, क्योंकि फाई भी मेरा क्या है आई वाई टू ही रहेगा, क्योंकि उसी पे प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर वाई फोर, ओके। अब यहाँ देख लेते हैं, टी इज इक्वल टू के आई स्क्वायर वाई फोर, ओके, फोर, और हम लोग ये है मेरा इक्वेशन टू, और सीरीज में क्या आया था टी इज इक्वल टू के आई स्क्वायर के, मेरा यहाँ लिख दे रहा है टी आया था मेरा के आई स्क्वायर, ओके। तो अगर आप रेशियो लीजिएगा इसे, ठीक है, हम देखते हैं इधर पे कहीं स्पेस होगा तो अगर रेशियो लिया जाए सीरीज का क्या था के आई स्क्वायर, इसका क्या है के आई स्क्वायर बाई फोर, ठीक है।
ये कट के यहाँ पे मेरा जो टॉर्क आया था TY4, मतलब कि 4 टाइम जो है वो घट जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ होगा, हम लोग देख लेते हैं, मेरा राइट आंसर ए होगा, TY4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो बोला गया विच DC मोटर जनरली प्रेफर्ड फॉर क्रेन एंड हॉइस्ट, ठीक है। क्रेन एंड हॉइस्ट के लिए कौन सी DC जो मोटर होती है वो यूजली प्रेफर की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा सीरीज। तो एक चीज़ बता दें, जितने भी मेरे ट्रैक्शंस वाले होते हैं या फिर क्रेन्स हो गए, हॉइस्ट हो गए, देखिए ये सब होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है, मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई चाहिए होता है स्टार्टिंग, क्योंकि ये सब जो लोड बहुत हैवी रहता है और कोई भी चीज़ रुकी हुई है, सपोज क्रेन की बात करें जाए, तो क्रेन पे पता है हम लोग कोई हैवी लोड उठाने के लिए करते हैं तो स्टार्टिंग में वो स्टेशनरी होता है, फिर इसे अगर उठाना होता है तो बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तभी जाके वो लिफ्ट करेगा। तो इस तरह की मोटर के लिए, फॉर हाई टॉर्क के लिए हमेशा DC सीरीज मोटर का यूज़ किया जाता है, और स्पेशली वो ट्रेन में जितने होते हैं, ट्रेन में ट्रैक्शन वाले में, उसमें मेरा DC सीरीज मोटर यूज़ होते हैं, ठीक है। और अभी जो है हॉइस्ट वगैरह में सब में क्रेन में भी 3-phase इंडक्शन मोटर आने लगा है, लेकिन जो मेनली ट्रैक्शन जो ट्रेन वाले होते हैं उसमें मेरा DC सीरीज मोटर ही होते हैं। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो मेरा ट्रेन होते हैं, ठीक है, वो DC सीरीज मोटर पे कैसे वर्क करते हैं, जबकि हमें पता है कि उसमें जो सप्लाई ऊपर जाता है 25 kV का, ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है ट्रेन से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हम, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिकल ट्रेन की, तो जो रहता है वो 25 kV AC मेरा चलता है, उसके अंदर फिर मेरे को DC सीरीज कैसे चलाना है, तो ये इसका अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एसिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस मोटर यूज फॉर मैकेनिकल लोड हैज़, बोला गया जो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर होते हैं, ठीक है, SPM जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसे अगर कंपेयर किया जाए सिंक्रोनस मोटर से, ठीक है, तो यूज फॉर मैकेनिकल लोड, तो उसमें क्या क्या मेरा क्या होता है, उसमें चेंजेस क्या होता है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए SPM हम लोग यूज़ क्यों करते, तो ये बेसिकली मेरा क्या होता है, फॉर वोल्टेज कंट्रोल के लिए होता है ये SPM, बेसिकली कुछ है नहीं, वो सिंपली एक सिंक्रोनस मोटर है, बस वो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, जिससे हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करवाते हैं, ठीक है, फॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो अगर ये मेरा सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, इसे हम लोग ओवर एक्साइटेड करा रहे हैं, मतलब उस पर रन करवा रहे हैं लीडिंग पावर फैक्टर, तो इसमें बेसिकली होता है क्या कि हम लोग इस पर कोई भी लोड, इसके साइड पर कोई भी लोड ना दे देते हैं, ठीक है। तो जिस अगर नो लोड होने के कारण ये मेरा क्या होता है, एट मैक्सिमम स्पीड पर रन करते हैं, मैक्सिमम स्पीड पे रन करते हैं, मतलब जो इसका कैपेबिलिटी है, ठीक है, ओवर एक्साइटेड होने के बाद जितना चल सकता है उतने पे चलती है। लेकिन अगर ये लोड घटाना है मेरे को, तो शाफ्ट का जो है वो कुछ ना कुछ तो उसका ही वेट होता है, तो हम लोग शाफ्ट को भी छोटा कर देते हैं, तब जाके और भी ज़्यादा वो ओवर एक्साइटेड और भी अच्छे से वो रन कर, और वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सके, तब जाके मेरा वोल्टेज कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है कि स्मॉलर शाफ्ट एंड हायर स्पीड, द राइट आंसर इज बी, ठीक है। ये सारे जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सब आ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है। तो SSC में या कोई भी जितने स्टेट वाले होते हैं उसमें, स्टेट हो गया या फिर JEE हो गया या फिर स्टेट का जो असिस्टेंट इलेक्टिव, उसमें होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है, डायरेक्ट उसी एग्जाम के नहीं होते या फिर कहीं ना कहीं से एग्जाम से रिपीट होते ही हैं, ठीक है। तो इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर ट्रैक्शन वर्क, मतलब जो भी मेरा ट्रैक्शन वर्क होते हैं, रेलवेज हो गया, क्रेन्स वगैरह हो गए, उसमें मेरी कौन सी मोटर प्रेफर की जाती है, तो राइट आंसर मेरा गया DC सीरीज मोटर। रीजन क्या है, रीजन भी सेम है, मेरे को हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मेरे को इसमें चाहिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, चलिए इसमें बोला गया विच मोटर हैज़ वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब सही है। तो कौन से मोटर के जो मेथड, मतलब सबसे ज़्यादा वेराइटी वाली है, तो कौन से मोटर के, तो अगर हम बात किया जाए, इसका राइट आंसर मेरा DC शंट मोटर है। तो वो क्यों है, क्योंकि DC शंट मोटर में मेरा क्या होता है, बहुत ही इसमें जो होता है स्पीड रेगुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन, मतलब कि स्पीड रेगुलेशन मतलब क्या होता है, जो मेरा फुल लोड पे स्पीड होगा और मेरा नो लोड का जो स्पीड होगा वो बहुत ही माइनर जो है, वो डिफरेंस जो है बहुत माइनर होगा, ठीक है। तो नो लोड पे भी ऑलमोस्ट सेम चलेगा और फुल लोड पे भी मेरा ऑलमोस्ट सेम चलेगा, तो जहाँ मेरा कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, DC शंट मोटर, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो इसी तरह
इसमें जो होता है कि इसका जो स्पीड रेगुलेशन है वो बहुत सही होता है। तो इस कारण इसका ग्राफ देखिए, अगर ग्राफ की बात किया जाए, ये मेरा स्पीड है, ठीक है, ओके। अगर ये मेरा फुल लोड है और ये मेरा नो लोड है, मतलब नो लोड ऊपर है, ये मेरा फुल लोड है, तो इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस होगा वो कुछ नहीं, बस बहुत देर के बाद जो है वो मेरा डाउन होता है, मतलब धीरे धीरे स्लाइटली चेंजेस होते हैं। तो इसमें जो होता है हर एक पॉइंट पे जो मेरा है स्पीड, हर एक, अगर यहाँ करंट ले लिया जाए, ठीक है, एफ आई, तो मेरा हर एक पॉइंट पे जो मेरा क्या बोल सकते हो उसका, जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है, मतलब आप इसको बहुत तरह से मेथड से लगा कर आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें मेरा बेसिकली होता है क्या, विच मोटर इज वाइडेस्ट वेराइटी मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल, राइट आंसर मेरा डीसी शंट मोटर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में और एक क्वेश्चन और, कि अगर कांस्टेंट स्पीड चाहिए होगा, जहाँ भी कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मेरा डीसी शंट मोटर यूज होगा। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बोलेगा क्या, द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, तो कौन सी ट्रांसफार्मर जो है यूज होती है एसी वेल्डिंग सेट में। तो पहले थोड़ा सा इसमें बेसिक जानते हैं, वेल्डिंग होती कैसे, आखिर हम जो भी वेल्डिंग्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है, वो बेसिकली होता क्या है। तो वेल्डिंग सपोज दो मेरा मेटल्स होते हैं, उन्हें ज्वाइंट करना होता है, तो ज्वाइंट करने के लिए क्या चाहिए होता है मेरे को, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होती है, तब वो मेल्ट होते हैं, फिर वापस वो ठंडे होकर चिपक जाते हैं। तो ये हाई हीट कैसे प्रोड्यूस होगा कहीं भी, अगर इलेक्ट्रिकल बात करें तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, मतलब मेरे को करंट बहुत ज़्यादा चाहिए टाइम के अनुसार, अगर आई स्क्वायर आर टी करें तो हीट मेरे को टाइम के अनुसार, मतलब हाँ टाइम के अनुसार अगर हीट चाहिए तो मेरे को आई स्क्वायर आर चाहिए, ठीक है। कोई मेटल का रेजिस्टेंस सेम होगा जो भी टच कराने पर जो भी, ठीक है, तो हाई स्क्वायर मतलब आई मेरे को चाहिए होता, तो आई मेरे को कम कहाँ पर मैक्सिमम होती, किस तरह के ट्रांसफार्मर में, अगर ट्रांसफार्मर इस तरह, ठीक है, इतना कर सकते हैं जहाँ मेरा लो वोल्टेज साइड हो, अगर मेरा एच वी साइड है तो वहाँ क्या होगा, मेरा वोल्टेज ज़्यादा होगा, वी ज़्यादा होगा, लेकिन आई मेरा कम होगा। लेकिन लो वोल्टेज साइड में क्या होता है, आई मेरा ज़्यादा होता है, वोल्टेज मेरा कम होता है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर होगा एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा आईटीआई जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो आई का रिक्वायरमेंट कहाँ पे, मतलब आई कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वो मेरा स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर में जो मेरा आउटपुट होते हैं वहाँ पे मेरा आई कम, मतलब आई ज़्यादा होगा और वोल्टेज कम होगा। राइट आंसर इज सी, ओके, राइट आंसर इज यहाँ पे सी, स्टेप डाउन टाइप में। चलिए नेक्स्ट की तरफ, ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं, मतलब ये दिमाग लगाने, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की इसमें ज़रूरत है, रटने का तो ठीक है सब रट के चले जाएगा। पहले इसमें बोला क्या गया क्वेश्चन, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज्ड। तो सबसे पहले देखिए बोला क्या गया, पर्पस क्या है, मेरे को बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करनी है, ओके। तो बैटरी चार्ज करने कहता हूँ मेरे को डीसी रिक्वायरमेंट होती है, और कैसा डीसी, मेरे को एकदम जो होता है स्मूथ चाहिए होता, मतलब फ्लक्चुएट ना करे, कॉन्स्टेंट डीसी चाहिए, टाइम के अनुसार वो मेरा सेम होना चाहिए। तो कौन से जनरेटर है जो कि मेरा इस तरह के डीसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर उस तरह के डीसी जो है मेरे प्रोड्यूस करेंगे, उस तरह के जनरेटर जिसका मेरा स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। और हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जो डीसी शंट वाले मोटर होते हैं उसका मेरा स्पीड रेगुलेशन सही होता है, और डीसी शंट जनरेटर मेरा वोल्टेज रेगुलेशन सही होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो राइट आंसर इज मेरा यहाँ पे बी होगा, डीसी शंट जनरेटर, राइट आंसर इज बी, ओके। तो अगर मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है कहीं भी, तो मेरे को डीसी शंट चाहिए होगा, कांस्टेंट स्पीड चाहिए होगा, तो मेरा वहाँ पे डीसी शंट मोटर चाहिए होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ, और हाँ नॉन टेक का भी इस पर अच्छे से आ रहा है, इसमें मेनली नॉन टेक में जो है सारे एसएससी जेई लेवल और जितने भी, मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सब आपको एमसीक्यू, थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे, अभी है अच्छे से पीडीएफ बन गई है, अच्छे से सब कुछ हो गया, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा आराम से, ठीक है, अच्छे से उसकी वीडियो बनेंगे और टेस्ट
तो है वो वीकली टेस्ट आएगा ही आएगा सबका, 50 मेरा टेक्निकल 50 मेरा नॉन टेक। तो ये मेरा मेनली जो टारगेट है SSC JEE UPPCL NLC और YJAG, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करें वो लगे रहे हैं इसमें, ठीक है। लॉकडाउन ख़त्म होगा, एग्ज़ाम तो होना है ही, आज ना कल तो होगा, टाइम लगे अलग बात है, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए वही पर्पस को रख के ये सब अभी बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। चलिए इसमें क्या बोला, द नो लोड स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर, ठीक है। नो लोड स्पीड मतलब कि अगर कोई भी DC मोटर है मेरा, उस पर हम कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं दिए हैं, साफ पर कुछ भी लोड नहीं दिया और मैंने उसे स्टार्ट कर दिया, रेटेड वोल्टेज करंट जो भी रहता है उसका रेटिंग होगा उस पर, तो क्या होगा मेरा स्पीड, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोग को पता होगा अभी जो देख रहे होंगे, ठीक है। तो फेमस क्वेश्चन है इसका, तो राइट आंसर क्या होगा, वेरी हाई, ठीक है। तो रीज़न क्या है, आते हैं ग्राफ देखते हैं। ये मेरा स्पीड का ग्राफ है, ये मेरा IA आर्मेचर सीरीज में, पता है IA मेरा फील्ड में जुड़ा रहता है, ठीक है, मतलब आर्मेचर वाले में, ठीक है। आर्मेचर फील्ड सब तो एक ही में रहता है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये मेरा टॉर्क रहता है, मतलब स्पीड का जो मेरा नो लोड, तो ये जो मेरा है नो लोड स्पीड यहाँ पे दिखाता है और ये मेरा यहाँ पे नीचे मेरा रेटेड हो जाता है, मतलब ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा मतलब नो लोड स्पीड मतलब कि स्पीड जितना हम लोग कम करते जाएं, मतलब ठीक है स्टार्टिंग में ही दे, तो मेरा स्पीड देख रहे हो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बहुत ही हाई स्पीड हो जाता है। इस ग्राफ को अगर समझ लोगे, ठीक है, कि जैसे ही स्टार्ट किया, मान लो ये जीरो है, आई है, जैसे ही ऑन किया जीरो से प्लस दिए हम लोग फटाक से, ठीक है, मेरा रेटेड स्पीड जो है बहुत ही हाई चला जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है, यहाँ तक रोटर वोटर जो है वो क्रैक कर दिया जाता है, उसे एकदम फाड़ के निकल जाता है, वो स्टेटर वाले पार्ट को एकदम फाड़ देता है रोटर, इतना ज़्यादा स्पीड हो जाता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्पीड कंट्रोल से करते हैं, पहले हम लोग धीरे धीरे जो है लोडिंग बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस लगा के स्टार्ट करते हैं, ताकि मेरा रेटेड से हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, हल्का सा अमाउंट में सप्लाई देते तब तो धीरे धीरे घूमता है, फिर उसके बाद धीरे उसके बाद जो होता है लोड रखे रहता है। इसलिए जो DC सीरीज है वो हमेशा लोड पे ही स्टार्ट होता है, ट्रेन में लगा होता DC सीरीज मोटर, पता कितनी हैवी लोड रहती है उस पर, हाँ टनों टन जितने इतने हैवी जो ट्रेन होते हैं उतने लोड मेरा स्टेशनरी रुके हुए होते हैं DC सीरीज मोटर स्टेशनरी, और उसके बस एक सप्लाई एक बटन में पूरे खींच लेते हैं ट्रेन को, ये सोचो कितना हैवी टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो, कितना स्टार्टिंग में है, तो वो वनली ऑन वनली DC सीरीज मोटर के कारण ही, ठीक है। अगर सोच लो कि ट्रेन हटा दो सिर्फ मोटर चला दो कितना स्पीड में वो घूमेगा, तो आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेसिकली, ये बात होती है, हैवी ट्रेन जो रुके हुए हैं उसको आराम से खींच लेते हैं और 110 KMPH पे चले जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज वेरी हाई, नो लोड स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर इज वेरी हाई, ठीक है, ड्यू टू हाई टॉर्क। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्या बोला, एरिया ऑफ हिस्टेसिस लूप रिप्रेजेंट, तो एरिया ऑफ हिस्टेसिस लूप मिला H रहता है, ये मेरा B रहता है, इस तरह के कुछ रहता है, ठीक है। तो ये मेरा एरिया क्या दिखाता है, ये मेरा एरिया मेरा हिस्टेसिस लॉस दिखाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इज डी, अगर एयर की बात करा जाए तो एक लाइन होता है सिर्फ, ठीक है, वनली, वहाँ भी मेरा कोई भी हिस्टेसिस लॉस नहीं होता एयर में, ओके, तो वहाँ का एरिया मेरा जीरो होता है। तो ये मेरा जो ग्राफ है बेसिकली वो मेरा जो हिस्टेसिस लूप है वो बेसिकली मेरा हिस्टेसिस लॉस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन बोले इंटरपोल्स आर मेंट फॉर, तो इंटरपोल्स बेसिकली होता क्या, तो अगर मोटर में बात किया जाए इंटरपोल जो है हम लोग बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, या हम लोग जो है इफेक्ट ऑफ इंड्यूस EMF को रिड्यूस करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। तो जो मेरा अगर हम बात किया जाए स्टेटर रोटर रहता है, ठीक है, तो जो मेरा इंटरपोल होते हैं, ठीक है, इंटरपोल्स होते हैं वो बेसिकली मेरा आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करता है, और जो मेरा इंड्यूस EMF होते हैं उसके वजह से, तो इसी कारण जो कम्यूटेटर होते हैं इसके मतलब शाफ्ट पे जो लगे होते हैं उसमें बेसिकली जो मेरा होता है वो स्पार्किंग क्रिएट कर जाता है, क्योंकि मेरा वहाँ भी मेरा एक इंड्यूस EMF हो जाता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा, जिसका कि वो
सही से एडिशन और मतलब आर्मेचर एक्शन होता क्या कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड और मेन फ्लक्स जो है वो मेरा क्रॉस करे, मतलब कैसे बहुत तरह क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, एक में ऐड हो जाते हैं, एक हम कैंसिल हो जाता है और एक में रैंडमली रहता है, तो वो डिपेंड करता है। तो उस जिस कारण से मेरा जो कम्यूटेटर पे है वो मेरा स्पार्किंग क्रिएट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू EMF इंड्यूस EMF ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो उसे हटाने के लिए हम लोग रिड्यूस्ड स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर हम लोग इंटरपोल को करते अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है, इस ऑप्शन को देखते हुए। अगर यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन रहता तो हम लोग उसे मारते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज, काउंटर EMF, स्ट्रेंथ ऑफ मेन फील्ड, तो ये सब नहीं है। और ऑप्शन में रहता आर्मेचर रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब घटाने के लिए, तो हम लोग उसे मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या, रिड्यूस स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन बोला, द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, तो कंजर्वेटर का पर्पस क्या होता है ट्रांसफार्मर में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटर, कंजर्वेटर का नाम से यहाँ पता चला कि वो किसी भी चीज़ को कंजर्व करता होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटर मेनली जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर में लगे होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली जो है मेरा जो ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं वो बेसिकली जो है हीट के कारण मेरा एक्सपेंड होते हैं और फिर कूल डाउन होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए हम लोग कंजर्वेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज टू टेक ए कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, मतलब उसे ऑब्जर्व करने के लिए, उसे लेने के लिए, ठीक है, हम लोग कंजर्वेटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म ऑफ रेटेड करंट इज, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म ऑफ रेटेड करंट, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, 2 to 6%, ओके। लेकिन इंडक्शन मोटर में देखिए ये जो होता है इसमें नेग्लेजिबल भी मान लेते हैं इसी कारण, क्योंकि 2 to 6% और जो मेरा फुल लोड करंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, उसे कंपेयर में 2 to 6% बहुत ही नेग्लेजिबल होता है। लेकिन एज ए इंडक्शन मोटर उसमें हम लोग नो लोड करंट को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ट्रांसफार्मर में नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसका 2 to 6% होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें बोला गया कि इफ़ ए कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट 7/8 फुल लोड 49, ठीक है। तो पी कॉपर मेरे को पता है क्या होना चाहिए, ठीक है, आर ये फुल का स्क्वायर प्लस इंटू आर, ठीक है। तो एट यहाँ यहीं से लिख देते हैं, एट एट 7/8 ऑफ फुल लोड, ठीक है। तो यहाँ पे आई इसको क्या हो जाएगा, मेरा मेरा करंट जो होगा वो 7/8 ऑफ फुल, मतलब IFL, ठीक है, 7/8 ऑफ द IFL, ये मेरा आई का वैल्यू हो जाएगा एट द 7/8 फुल लोड पे अगर हम बात किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो पी इज इक्वल टू हमको पता है भी क्या निकाले थे, आई स्क्वायर, और तो आई मेरा क्या 7/8 ऑफ IFL या FL है, IFL का स्क्वायर इंटू आर, तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है। और ये मेरा दे दिया गया 4900 वाट, ये मेरा दे दिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बोल दिया 49 वाट जो है मेरा दे दिया गया, ये है। चलिए तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करके निकाला जाए IFL का वैल्यू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 49/64 IFL स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 4900, ठीक है, 49 से 49 यहाँ 100 टाइम्स कटा, तो IFL स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 6400, ये मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया राइट आंसर। ये आर से आर वहाँ कैंसिल होगा, ठीक है, ये वाली आर और वो वाली आर, यहाँ बेसिकली पूछा गया क्या, इट्स फुल लोड कॉपर लॉस, नहीं कैंसिल नहीं होगा, फुल लोड कॉपर लॉस बोला, तो 7/8 पे मेरा 49 दे दिया गया था, फुल लोड अभी हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं, क्या IFL स्क्वायर इंटू आर, ये मेरा फुल लोड है, तो मेरा 6400 राइट आंसर इज 6400 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन बोला, ए 4 पोल 1200 RPM DC लैब ओन्ड जनरेटर हैज 15-20 कंडक्टर्स इफ द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 Bw द EMF ऑफ जनरेटर इज, ठीक है। तो यहाँ पे EMF इज ऑफ जनरेटर, तो आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल टू,
देखिए जो जो स्पेशल फार्मूला होता है उसे आप लोग नोट कर लेना बेहतर रहता है। ई इज इक्वल टू पी फाई एन जेड वाई 60 इंटू यहाँ मेरा ए, ठीक है ये मेरा फार्मूला है। यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। मेरा लैब में क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी होता है, और ए इज इक्वल टू पी मेरा यहाँ पे दे दिया गया, कितना दिया गया 4, ठीक है 4 पोल, पोल मेरा 4 दिया गया। यहाँ पे पुट करते हैं 4, 5 मेरा क्या 0.01, 0.01 एन क्या है मेरा यहाँ पास, ठीक है 15 सॉरी हाँ ये मेरा स्पीड दिया 1200 इंटू जेड मेरा क्या 1520, ठीक है इधर लिख लेते 1520 यहाँ पे डिवाइड बाई 16 इंटू, ठीक है ये तो मेरा सेम 4 लिख दो। इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरा ई का वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा 304, ठीक है कैलकुलेट तो राइट आंसर इज बी 304। नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी नियरली एट, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पहले लगा कहाँ होता है यहाँ से हम बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो बेसिकली जो लोकल मोहल्ले में जैसे हम लोग के एरियाज में होते हैं वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है तो वो मैक्सिमम इफिशियंसी कब देता है, ठीक है ये मेरा लगा होता है ट्रांसफार्मर मोहल्लों में, ठीक है तो जो हम लोग के घरों में यूज होता है जितने भी पावर यूज हो रहे हैं, ठीक है जो लोड हम लोग लगाए हुए हैं, तो हम लोग का जो एवरेज उस मोहल्ले का जो उस एरिया में है उसका जो एवरेज लोडिंग होती है वो मेरा 50 to 70% होती है, एवरेज 50 to 70 होती है, कभी 100 लोडिंग नहीं होती है। कोई फ्रिज ऑन रखे है तो कोई एसी बंद किए हुए है, तो कोई ये किया तो कोई है, कोई फ़ैन ऑफ है तो बल्ब है, ये मतलब एक साथ कोई भी लोड ऑन नहीं होता हर एक घर में, कोई ये है तो कोई एक ऑफ रहता है, ये तो ये रहता है, मतलब एवरेज अगर एक घर बंद है तो एक घर में चला है, ठीक है तो इसके कारण होता है कि वहाँ जो एवरेज लोडिंग होता है वो 50 to 70 होता है। तो इसी को देख कर ये जो है डिज़ाइन किया जाता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है तो वो मेरा कितना पे, वो मेरा मैक्सिमम इफिशियंसी वो हमेशा 50% ऑफ फुल लोड पे ही देख कर ही डिज़ाइन किया जाता है। राइट आंसर ये मेरा बी, ठीक है इसी तरह पावर ट्रांसफार्मर की एक बात आएगी। चलिए ठीक है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द डीसी मोटर, तो डीसी मोटर का मेरा जो होना चाहिए वो कंडीशन क्या है, ई बैक ईएमएफ इक्वल टू वी वाई टू, इसे आप लोग याद कर लीजिए, इसका डेरिवेशन भी है इसका प्रूफ भी आपको एक बार देख लीजिएगा। राइट आंसर इज बी। अगर यहाँ पर डीसी जनरेटर की बात कर दिया जाती ये तो मोटर है, अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू ई बाई टू, ठीक है तो ये मेरा हो जाता है जनरेटर के लिए, ये मेरा है मोटर के लिए, तो मोटर पूछा तो बी इक्वल टू ई बी इक्वल टू वी बाई टू। चलिए नेक्स्ट, और पीडीएफ चाहिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे, जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, कोई भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कुछ। और थोड़ी देर बाद हम लोग अपने व्हाट्सएप भी लाने वाले, मतलब जो ज़्यादा सिंसियर होगा एग्ज़ाम निकालने में एक पर्सनल गाइडलाइंस की तरफ उसे व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ बोला गया द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन दी, ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा इंटरपोल एक्सिस, आर्मेचर इन द इंटरपोल एक्सिस, राइट आंसर इज बी, ठीक है जो मेरा डीसी मशीन्स होते हैं ये मेरा मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स मेरा या आर्मेचर मेरा रोटर जो भी बोलो, तो ब्रशेस जो होते हैं ये मेरा यहाँ पे होते हैं और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इंटरपोल एक्सिस, ठीक है तो राइट आंसर इज बी आर्मेचर इन द इंटरपोल एक्सिस, ओके क्योंकि इंटरपोल जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज कनेक्शन होते हैं, ठीक है आर्मेचर वाइंडिंग के। अच्छा ये छोड़िए इतना, ये अब याद रखिए आर्मेचर इन द इंटरपोल एक्सिस, ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया द एम एफ प्रोड्यूस बाई इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू,
इसका राइट आंसर है मेरा बी आर्मेचर करंट, जो मेरा एमएफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एमएमएफ, ठीक है, वो मेरा किसके होते हैं, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे पता है एन आई वाई रिलक्टेंस तो होता ही है एमएमएफ, ठीक है, तो मेरा आई आई पे तो प्रोपोर्शनल है ही, इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब आर्मेचर पे है या फिर फील्ड पे ये देखना होता है। तो आर्मेचर के कैसे हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरा इंटरपोल वाइंडिंग जो है ना, इंटरपोल वाइंडिंग ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, तो जो मेरा आर्मेचर में करंट होगा वो मेरा इंटरपोल वाइंडिंग में मेरा करंट होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज मेरा बी, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा एमएमएफ, जो इंटरपोल में एमएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो मेरा आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो मेरा आर्मेचर में करंट होगा वही मेरा इसमें भी होगा, ठीक है। चलिए आई होप, और कोई भी डाउट हो डायरेक्ट नीचे मेरा जो है टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप पेज, किसी में आप पूछ सकते हैं, स्पेशल के लिए जो मेरा है वो व्हाट्सएप मिल जाएगा, डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर, बाय।